ठीक है, तो अब हम लोग पावर सप्लाई अरेंजमेंट में आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए थोड़ा सा, इंट्रोडक्शन में आ जाइए, टॉपिक दे दीजिए इंट्रोडक्शन। मेन टॉपिक था आपका पावर सप्लाई अरेंजमेंट, सब टॉपिक है इंट्रोडक्शन और उसमें आ जाइए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सप्लाई हम लोग सिस्टम यूज करते हैं। तो लिख लीजिए द वेरियस सिस्टम ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन आर एज फॉलोज। द वेरियस सिस्टम्स, फिर से बोलते रहे, लिखो द वेरियस सिस्टम्स ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन आर एज फॉलोज। द वेरियस सिस्टम्स ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन आर एज फॉलोज, कोलन देके डैश दे दीजिए उसके बाद, और पॉइंट वाइज लिखते जाइए कौन कौन सा सिस्टम है। पहला लिख लीजिए डीसी सिस्टम। दूसरा लिख लीजिए सिंगल फेज एसी सिस्टम ऑपरेटिंग एट लो फ्रीक्वेंसी। तीसरे टाइप में आ जाइए थ्री फेज एसी सिस्टम। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए तीसरे पॉइंट में थ्री फेज एसी सिस्टम ऑपरेटिंग एट लो फ्रीक्वेंसी। फोर्थ में आ जाइए कंपोजिट सिस्टम ठीक है, और आगे चल के फोर्थ का उसी में दो पार्ट कर लीजिए ए और बी। कंपोजिट सिस्टम में दो तरह का होता है, लिख लीजिए ए और बी करके, कंपोजिट सिस्टम के अंदर ही वो आता है। पहला लिख लीजिए कांडो सिस्टम, के ए एन डी ओ। आगे चल के हम लोग देखेंगे ये सब है क्या। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए यानी ए में लिख लीजिए कांडो सिस्टम, यानी के ए एन डी ओ कांडो सिस्टम। ये कंपोजिट का ही पार्ट है, यानी फोर्थ का ही टाइप है। और बी में आ जाइए सिंगल फेज एसी एंड डीसी कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट क्या है, जहां दो का मिक्सर हो, तो सिंगल फेज एसी और डीसी साथ में हम लोग देते हैं वहां पे, वो बहुत रेयरली यूज होता है, अब वो नहीं यूज होता है। तो लिख लीजिए सिंगल फेज एसी एंड डीसी कंपोजिट सिस्टम। हो गया इतना, ठीक है। अब होता क्या है कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड अब जो सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इन्वेंशंस हुए, तो अलग अलग सिस्टम्स यूज किया जाता था। वहां भी कहीं कहीं कंडक्टर रेल सिस्टम भी यूज होता है, जहां यहाँ कंडक्टर से हम लोग रेल्स से कंडक्शन करा के पावर को व्हीकल तक पहुंचाते हैं, लोकोमोटिव तक पहुंचाते हैं। यानी जो आपकी पटरियां हैं, पटरियों में जो दो रेल्स होता है, उन रेल्स के वजह से, देखो जो पटरियों में जो आपके स्टील की बनी हुई दो पटरियां होती है ना, इनको हम लोग रेल्स बोलते हैं। इन्हीं से बना है वर्ल्ड रेलवे, इन रेल्स पे चलने वाले जो व्हीकल है वो रेलवे है। तो ये रेल्स जो है ना, कंडक्टर रेल्स, ये जाहिर है मेटालिक है, तो कहीं कहीं किसी किसी सिस्टम में पहले ये किया जाता था कि इन कंडक्टर्स में ही, यानी इन पटरियों से ही कंडक्शन करा के आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लोकोमोटिव तक पहुंचाया जाता था। तो ये सारे सिस्टम होते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे लोगों को बाकी मीन्स समझ में आने लगा, बाकी तरीके समझ में आने लगे, जैसे जैसे लोगों ने कंपेयर किया और कंपेयर करके उन्हें पता चला कि कौन सा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा सिस्टम ज्यादा सेफ है, कौन से सिस्टम से हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बेटर ट्रैफिक मूवमेंट कर सकते हैं, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ओएचई सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। और ओएचई में भी धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि सिंगल फेज एसी सिस्टम
वो सबसे बेहतरीन सिस्टम है, हाई वोल्टेज सिंगल फेज एसी सिस्टम। और वही हाई वोल्टेज सिंगल फेज एसी सिस्टम हम लोग इंडिया में भी मेनली यूज करते हैं। और इंडिया में हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, तो 25 kV यानी 25,000 वोल्ट, 50 हर्ट्स सिंगल फेज एसी सिस्टम। और यही अब वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट होने लगा ये सिस्टम। कहीं कहीं अभी भी जो ट्रामवेज वगैरह ट्रॉली वेज चलता है वहां कुछ और सिस्टम है, अदरवाइज मेनली आपके रेलवे के लिए और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम लोग यही सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज सिंगल फेज एसी सिस्टम। और हम लोग इंडिया में जो अडॉप्ट करते हैं वो 25 kV यानी 25,000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए नोट करके, नोट करके। नाउ अडेज कॉमा देके, इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो, नाउ अडेज इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो, ड्यू टू द ईज ऑफ ऑपरेशन। सिनेरियो के बाद एक कॉमा देके, ड्यू टू द ईज ऑफ ऑपरेशन, EASE, ईज ऑफ ऑपरेशन, ईज ऑफ ऑपरेशन, प्रॉपर एडॉप्टेबिलिटी, कॉमा देके, ईज ऑफ ऑपरेशन, कॉमा देके, प्रॉपर एडॉप्टेबिलिटी, हायर एफिशिएंसी, हायर एफिशिएंसी, कॉमा देके, टेक्नोलॉजिकल सुटेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल सुटेबिलिटी, एंड हाइयर सेफ्टी, टेक्नोलॉजिकल सुटेबिलिटी एंड हाइयर सेफ्टी कंसिडरेशंस, एंड हाइयर सेफ्टी कंसिडरेशंस, हाई वोल्टेज सिंगल फेज एसी सिस्टम, हाई वोल्टेज सिंगल फेज एसी सिस्टम इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड, is universally adopted in India and worldwide, in India and worldwide. ठीक है, अब टॉपिक दे दीजिए हाई वोल्टेज सप्लाई। इसको जो हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं हम लोग 25,000 वोल्ट पे 25 केवी पे, वो सप्लाई सिस्टम कैसे है, तो अब टॉपिक दे दीजिए हाई वोल्टेज सप्लाई। इसमें लिख लीजिए अरेंजमेंट्स ऑफ पावर सप्लाई, अरेंजमेंट्स ऑफ पावर सप्लाई to various electric traction substations। अब ध्यान में रखना है एक चीज कि जिस तरह पावर सिस्टम में यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग देखते थे कि हम लोग सबस्टेशन यूज करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन हम लोग यूज करते हैं, रिसीविंग सबस्टेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ट्रैक्शन सिस्टम का भी अपना सबस्टेशन होता है जिसको हम लोग ट्रैक्शन सबस्टेशंस बोलते हैं। क्योंकि होगा क्या कि पावर जहां से हम लोग परचेज कर रहे हैं, मान लो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का हिस्सा है यानी इंडियन रेलवे का हम लोग हिस्सा है, तो हम लोग पावर परचेज कर रहे हैं अलग अलग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर रहे हैं, तो उनके सबस्टेशन से अलग अलग पॉइंट पे जो सप्लाई आ रहा है वो हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सबस्टेशन में आ रहा है और वहां से हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल सेक्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो रेलवे को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, इसी की वजह से रेलवे में
जो ग्रेजुएट इंजीनियर जाते हैं उनको पहला पोस्ट जो मिलता है वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का मिलता है। तो रेलवे में अलग अलग सेक्शंस में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, और सेक्शंस का बहुत ब्रॉड मतलब है, सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई भी हो सकता है, सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक मूवमेंट भी हो सकता है, ट्रैक लोकेशन, ट्रैक कॉन्फिगरेशन भी हो सकता है, तो सेक्शंस का बहुत सारा मतलब है। तो इसीलिए जो इंजीनियर ग्रेजुएशन के बाद रेलवे में एम्प्लॉय होते हैं उनको हम लोग उनका डेजिग्नेशन सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है। तो रेलवे में अलग अलग सेक्शन में हम लोग बांटे रहते हैं, अलग अलग सेक्शन में पावर सप्लाई इंश्योर करने के लिए हम लोग अलग अलग सेक्शन में वहां अपना इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो वहां आ जाइए फिर से जो लिखा रहे थे, अरेंजमेंट्स ऑफ पावर सप्लाई टू द वेरियस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन इन इंडिया आर एज फॉलोज। In India are as follows. As follows के बाद कोलन देके डैश दे दीजिए और पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे। तो पावर सप्लाई अरेंजमेंट जो हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन तक पहुंचाते हैं या आता है वो इंडिया में कैसे होता है, उन्हीं चीजों को उस अरेंजमेंट को हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। पहले पॉइंट में आ जाइए, इसमें लिख लीजिए। अब जाहिर है अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि पावर हम लोग क्या करते हैं, कहां से लाते हैं। अगर हम लोग रेलवे अथॉरिटी है तो पावर हम लोग कहां से लाते हैं, अभी बताइए, थोड़ी देर पहले बताइए। कहां से? यानी पावर हम लोग परचेस करते हैं ना, पावर परचेस करते हैं चाहे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से करें या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से करें, क्योंकि रेलवे खुद का पावर जनरेट तो नहीं करती है, रेलवे का अपना कोई पावर प्लांट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रेलवे कहां कहां जनरेट करेगी, सारा काम अगर रेलवे खुद से करने लगे। अब सपोज दैट मान लो हम लोगों को अपनी बेसिक जरूरतों की चीजें चाहिए, मान लो अपने डेली डेली जीवन यापन करने के लिए, डेली जिंदा रहने के लिए या अपने काम को करने के लिए, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, हमें फूड चाहिए होता है, हमें कपड़े चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो इन सब को हम खुद से तो नहीं कर सकते ना। अब पता चला कि कपड़ा भी हम ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फसल भी हम ही उगा रहे हैं, टूथपेस्ट भी हम ही बना रहे हैं, अपनी सारी चीजें हम अपने फैक्ट्री में, दवाएं भी हम ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम उसी हिसाब से डिजाइंड है, जो जो चीजें जहां जहां बननी चाहिए स्पेशली वहीं पर जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट बनाते हैं, और इस तरह मार्केट कनेक्टेड है, हमारी मिक्स इकोनॉमी है, और मिक्स इकोनॉमी में हमारी जरूरतों की चीजें अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर होके जिसको जो जरूरत है इस इकोनॉमी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के हेल्प से वो चीजें एक दूसरे को अलग अलग प्राइसेस पे, अलग अलग वैल्यूज पे अवेलेबल हो जाती है। तो जाहिर है रेलवे भी खुद की एनर्जी जनरेट करने लगेगा, खुद का पावर प्लांट बनाने लगेगा, तो रेलवे अपना वर्क कब करेगा? तो डेफिनेटली रेलवे का कोई अपना पावर प्लांट नहीं होता है, रेलवे खुद से पावर जनरेट नहीं करता है, तो जाहिर है पावर परचेस करना होता है, और परचेस कहां से होगा? तो डेफिनेटली एक कंट्री है तो उस कंट्री में अगर अलग अलग स्टेट्स हैं तो स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से परचेस होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितनी चीजें आती हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज वहां से परचेस होगा। तो उसी के बारे में है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिख लीजिए, पावर इज परचेस्ड फ्रॉम द सप्लाई अथॉरिटीज। पावर इज परचेस्ड फ्रॉम द सप्लाई अथॉरिटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन and maintenance of two twenty oblique one thirty two kV transmission lines. तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से पावर हम लोग परचेस करते हैं जो इस वोल्टेज रेटिंग पे हमें मिलता है, और वो सारा उसके अंडर में ही आता है। जैसे अब इस चीज को समझो, ये जो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम को, तो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन से यहां के बाद से रेलवे के अपना इलेक्ट्रिसिटी का काम
यहां से शुरू होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से जो लोग पावर परचेस करते हैं, तो उनके अपने सब स्टेशन से इन लाइंस से 132 केवी या 220 केवी के लाइंस से यहां तक पावर आ रहा है, कहां तक, हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन से। यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन से अब इलेक्ट्रिक आपके इंडियन रेलवे या जो भी रेलवे सिस्टम है उसका काम यहां से शुरू होता है। यानी बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से जो हमने पावर खरीदा, वो पावर इन लाइन से 220 केवी या 132 केवी के लाइन से हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन तक पहुंच गया और यहां से उस ट्रैक्शन सिस्टम का काम या उस रेलवे सिस्टम का काम शुरू हुआ। इसके पहले का जितना काम है इस कंडक्टर तक, जो यहां इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन तक पावर पहुंचा रहा है, इस कंडक्टर तक ये सारा काम और मेंटेनेंस और सप्लाई, ये सब किसका काम है, आपके इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज का काम है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन के बाद से रेलवे का और ट्रैक्शन सिस्टम का काम शुरू होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहां है क्या कि आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन जो है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन तक सप्लाई कहां से आ रहा है, तो आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से। और कैसे आ रहा है, तो ये 220 केवी, 130 या 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन से। यानी ये क्या है, तो ये आपका 132 केवी या 220 केवी ट्रांसमिशन लाइंस है, इसके थ्रू आ रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशंस के बाद से सारा कुछ अरेंजमेंट आपके रेलवेज का है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का है। और इसके पहले का, यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम तक जो पावर हम लोग पहुंचा रहे हैं, किससे, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अथॉरिटीज का जो अपना सबस्टेशन होगा, उससे इस कंडक्टर सिस्टम से जहां 132 केवी और 220 केवी का सप्लाई है, यहां तक का मेंटेनेंस उनका है, यानी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज का। यहां के बाद से रेलवे का काम शुरू हो जाता है। तो यहां से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन से रेलवे का काम शुरू होता है। इसके पहले का जितना भी मेंटेनेंस है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का है, यहां तक कि 220 132 केवी लाइंस है उनका भी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज का है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम लोग थे, लिख लीजिए आगे, फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 220 132 केवी ट्रांसमिशन लाइंस, फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ, क्या बोलो फिर से वैष्णवी, आवाज कट रहा है। अच्छा चलो शुरू से पॉइंट बोल देते हैं। पहला पॉइंट शुरू से है, पावर इज परचेस्ड फ्रॉम सप्लाई अथॉरिटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ये वाला 220/132 केवी for the operation and maintenance of 220/132 kV transmission lines and grid substations and grid substations up to 25 kV outgoing terminals of substations. However, फिर से बोलते रहे, लिख लो फिर से, 220/132 kV ट्रांसमिशन लाइंस उसके आगे लिख लीजिए, एंड ग्रिड सबस्टेशंस अप टू 25 kV। मुझे बेटा बदमाशी नहीं करिए, अप टू 25 केवी, क्या कर दिया ये सब, अभी नहीं हटाओ बेटा, पढ़ाने दो, बाद में आपको देंगे।
रुको अप टू 25 KB। क्या हो गया आगे लिख लीजिए, अप टू 25 KB आउटगोइंग टर्मिनल्स ऑफ द सबस्टेशंस, ऑफ द सबस्टेशंस, फुल स्टॉप। देखिए उसी पॉइंट में, पहला नंबर वाले में ही आगे, हाउएवर हाउएवर 25 KB फीडर सर्किट However, 25 KV फीडर सर्किट ब्रेकर इज कंट्रोल्ड फ्रॉम रिमोट कंट्रोल सेंटर बाय ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर TPC, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के ब्रैकेट में TPC लिख लीजिए, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के ब्रैकेट में TPC लिख लीजिए, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। ठीक है चलो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, इसके बाद का क्लास आपका जो होगा वो करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, कोशिश करेंगे इसका स्लाइड्स बना दें, स्लाइड्स बना के सो दैट कि लिखा हुआ मैटर आपको आपके पास रहे, तो पावर पॉइंट स्लाइड अगर टाइम मिलता है तो पावर पॉइंट स्लाइड बना के जो लिखा हुआ मैटर है, लिखाने वाला चीज़ है, वो आप लोग को भेज देंगे तो और लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं इसको कवर। ओके थैंक यू।